गाड़ी लॉक नहीं करी, वो देखो गाड़ी लॉक करने जा रहा है। चला लो चला लो, क्या कराइए यू गाइस। अरे यू गाइस शीशा गंदा हो रहा, कबड्डी बहुत गंदे तरीके से। गाइस ये मेरा ड्राइवर है, गाइस मैंने इसको ड्राइविंग सिखाई है। गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप लोग, आप सब ठीक होंगे? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और ये रहा बंटी, पता नहीं बंटी का ना कैमरा ऑन होने के बाद हाय हेलो करने के टाइम भूल जाता है। हर वीडियो में ये बुलवाना जरूरी है। जो भी है छोड़ो, अबे बंद कर रहे हैं। सो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं बंटी के लिए शॉपिंग करने के लिए। जरा सामने रखती है ना, यहाँ थोड़ी रख के जाऊंगी। और यहाँ अगर भूल भी जाएंगे तो फिर पार्किंग में लगाने का फायदा क्या हुआ? वो तो ठीक है। बाकी मैंने दिखाऊ, मैं वहाँ से लेके आई हूँ अपने स्कूटी के लिए की चेन। कितनी प्यारी है ना, ये बोल रहा था पता नहीं क्या क्या लेके आती, पर मुझे तो बहुत प्यार लग रहा था। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको ये किचन कैसा लगा। और अब हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। शाम के बज रहे हैं 6:30। इतने लेट इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग था, मुझे ट्रेनिंग देनी थी। वो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम। सारे काम कम्प्लीट करने के बाद अब मैं निकली हूँ। मेरे को रेस्ट करना था पर मैं रेस्ट नहीं कर पाई गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ गाइस। चलो गाइस फटाफट मार्केट पहुंचते, भी देखते कहां जा रहा है। अंदर घुसा दे गाड़ी। हां इसका असली रूप फिर से कैप्चर हो गया कैमरे में। सो गाइस आधे घंटे का रास्ता हम लोगों ने 1.5 घंटे में कवर किया है क्योंकि हम लोग इतनी लेट निकले बंटी की वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे इतना ट्रैफिक मिला ऑफिस टाइम होने की वजह से। फटाफट मैं यहाँ पे शॉपिंग करती हूँ, हो सकता है कि मैं आज अपनी फ्रेंड से भी मिलूँ। मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी वहीं पे डायरेक्ट। ब्लैक में से बंटी तुम्हारे 4 ले लिए, बस आप खुद करने पड़ते हैं। अरे तो आपने भैया पैसे लेके भाग रहा था। ये वाला रख लो, इसमें खुल रहा है। पैसे नहीं दिए इसने भाई। देखो लाजपत नगर कितना खाली है। जनाब ने गाड़ी लॉक नहीं करी, वो देखो गाड़ी लॉक करने जा रहा है। स्लाइड यहीं से ले लो, देख लो अच्छे भी लग रहे हैं। खुल मजा है बस खुल ले गला, वो पहन के ना बड़े क्लासी से लग रहे हैं। हैं मंडी, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लाजपत नगर की गलियों में घूम रहे हैं? हाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाजपत नगर है। He is so बदतमीज kind of person. तो इसको इग्नोर करो कि बात आई नहीं रही अभी। ठीक है मैं, मेरे हाथ मेरे बॉडी के ऊपर कैसे हो सकते हैं? अच्छा पता नहीं तुम आए कि नहीं आए। जो भी है हम लोगों ने शॉपिंग कर ली। आज मार्केट पूरी तरीके से बंद है। मेरे को तो ये याद नहीं था कि आज मंडे है। दूसरा सारे आउटलेट्स बंद हैं, इसके शूज़ नहीं मिले। छोटी मोटी चीज़ें जो स्ट्रीट से लेनी थी वो मिल चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के पास मूलचंद। बेबी और मैंने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए बाहर। हाँ बिगड़ गई, आगे बैठ गई ऐसे चुपचाप के, हवा ले जाती है। चला लो चला लो। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? बेबी ने ड्राइविंग भी सिखा दी। मेरे को कुछ नहीं आती है। मैं तो सीख रही हूँ। एक्सपर्ट है यार।
मैंने सीख ली, मैं सीख रही हूँ, अच्छी लग रही है लेकिन व्लॉगर्स लाइफ। कुछ रह तो नहीं गया ना इसका, नहीं चल बाय बाय बाय। अरे मैं आगे आ जाऊँ ना, आगे तो आ जाओ। कर लिया सारा व्लॉग रिकॉर्ड। रात के 10 बजे हम घूम रहे हैं, बताओ इतनी रात तक, आधी आधी रात तक ये बाहर घूमता है। मैं बोल रही थी टाइम से घर चल लो। मम्मी देखो आपका लड़का बिगड़ गया है। जल्दी मैं ही चला रही हूँ गाड़ी, मैं चलाऊ। हम लोग गाइस निकल चुके हैं अपने फ्रेंड के पास से, मतलब मैं बेबी से मिलने आई थी। मैंने पहले बताया था बेबी से मिलना, अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा लास्ट ईयर तो मैंने बेबी के साथ जो है वो ब्लॉग डाला था। एक साल बाद फिर से बेबी से मिली, बेबी की एक्चुअली एंगेजमेंट हो गई थी, मैं उसकी एंगेजमेंट में जा नहीं पाई थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, तो मैं उसको मनाने के लिए मिली थी लाजपत नगर में। कुछ नहीं मिल पाया, थोड़ा बहुत जो सामान लिया वो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ। और अभी हम लोगों ने खाया मूलचंद का पराठा, राज कचौरी और कोल्ड ड्रिंक, दैट्स इट। अब मेरा पेट फुल है, अभी आधा पराठा बच गया, वो बंटी को खा लेगा। देखो रात के टाइम दिल्ली हम लोगों के लिए ये 10 बजे रात हो गई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला था तो हम लोगों ने रॉन्ग साइड जो है गाड़ी को लिया था कि दोबारा से यू टर्न लेके आएंगे, बट यहाँ पे भी जाम लगा दिया। फाइनली मैं घर आ गई हूँ। आने के बाद मैंने चेंज वेंज कर लिया है, हम लोग कुछ खा नहीं रहे क्योंकि हम लोग बाहर से खा के आए थे। अब मैं आप लोगों को फटाफट दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ लाजपत नगर से। इससे पहले लेके आए हम ये वाली स्लीपर जो बंटी के लिए लेके आए हैं, ये मुझे काफ़ी प्यारी लगी और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। उसने इसका प्राइस बताया था 850, हमने 500 रुपीज़ में इसको लिया, काफ़ी अच्छी लगी थी इसको क्योंकि इस तरीके की थोड़ी सी ना स्लाइड्स चाहिए थी। आजकल स्लाइड्स के बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे स्टाइल चल रहे हैं, पर मुझे ये वाली सबसे अच्छी लगी थी। एक तो ये थोड़ी सी यूनिक लग रही थी और इसका जो ये वाला बक्कल वाला लुक आ रहा ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो हमने ये लिया, मार्केट से बहुत कुछ तो नहीं लिया। एक मैंने ली ये नाइटी, ये नाइटी मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी जी। दीदी को एक्चुअली कुछ नाइटी टाइप का चाहिए था, वो मेरे से बार बार बोल रही थी। और मैं मार्केट में गई थी, आज मार्केट जो है वो बहुत जल्दी बंद होने वाली थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ही मिल गया था। आई थिंक ये 200 या 250 रुपीज़ में मिल गया था, मुझे काफ़ी क्यूट लगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत कंफर्टेबल है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होगा। साइज़ जान करके मैं इतनी लूज़ लेके आई हूँ क्योंकि दीदी को थोड़ा लूज़ चाहिए था। नाइटी का मतलब यही है कि वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो, बहुत ही लाइट कलर है तो उनको पहनने में भी अच्छा लगेगा। प्लस अभी मार्केट में ना जहाँ भी आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो कॉर्ड सेट जो है इस तरीके का ना ये देखोगे आप, तो मैंने देखा है ज़ारा में भी इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आए हुए हैं। प्लस मैंने मिंत्रा पे इस तरीके का कॉर्ड सेट देखा हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप इसको सिंपल एज अ ड्रेस पहन सकते हो। अगर आपको कॉर्ड सेट पहनना है आप इसके साथ पेयर अप करके पहन सकते हो, इसको किसी टी शर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। ये भी मैं दीदी के लिए लेके आई हूँ क्योंकि उनको स्टिल थोड़े से कम्फी क्लोथ चाहिए थे, तो मैं लेके आ गई उनके लिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। साइज़ इसका भी थोड़ा सा बड़ा लेके आई हो, कम्फी का मतलब ये तो थोड़ा सा लूज़ हो। मैं सोच रही हूँ अपने लिए भी कुछ ऐसा लेके आऊँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और जो इसका मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इसका कलर। उसके बाद मैं क्या था कुछ तो नहीं लेके आई, उसके बाद मैं बंटी के लिए लेके आई ये टी शर्ट। आजकल उसको ओवर साइज टी शर्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा अभी उज्जैन का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें भी उसने इस तरीके की टी शर्ट ही पहन रखी है क्योंकि जिम वगैरह जाना नहीं है, तो इसको इस तरीके के लूज कपड़ों में अपना छुपाना है। तो ये टी शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इसका भी कलर बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गई थी। मैं लास्ट टाइम जब सरोजी से लिया था
तो वो मेरे को थोड़ी सी महंगी पड़ गई थी, क्योंकि अभी ओवर साइज का न्यू क्रेज आया हुआ है। तो क्या कर रहे हैं इसको बार्गेन नहीं करते, और सबको बहुत अच्छा लगता है, बॉयज को भी काफी अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये मेरे ऊपर भी काफी अच्छी लगेगी एज अ ड्रेस। तो इसके जाते ये मैं पहनना स्टार्ट कर दूंगी। प्लस दो शॉर्ट्स लेके आए थे, तो इन और सॉक्स वगैरह हमने शॉप की थी। इससे ज़्यादा हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि मार्केट बंद थी, सारे आउटलेट्स बंद थे, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी इसको, पर आउटलेट्स बंद होने की वजह से हम कुछ नहीं ले पाए। स्ट्रीट पे जो हम शॉप कर पाए बस हमने वही सारी चीज़ें ली, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। देख रहे हो आप लोग मेरा दिल कि मैं मार्केट जाके भी अपने लिए कुछ भी लेके नहीं आई। तो मैं एक काम करते हैं, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, और कल से ट्रैवल करते करते अभी तक कल की थकान मेरी उतरी नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम से सो जाती हूँ, 12:30 स्टिल बहुत लेट है, पर थोड़ा टाइम से सो जाऊँगी, अलार्म सेट करूँगी, और कल से सुबह मैं जिम जाने की सोच रही हूँ। टाइसन आवाज़ें कर रहा है पता नहीं क्यों। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, विच इज़ टीएनएम ब्लॉग। सी यू सून, बाय बाय।